वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मम्मी होममेड केक बना रही है। देखिए फ्रेंड्स, मम्मी अभी शुगर और ऑयल को मिक्स कर रही है। देखिए और देखिए टूटी फूटी ये नमक वाला ये सब सम। आखिर आप कब ऐसा केक बना रहे हैं अपने तरीके से, तो मम्मी को देख के बन। फ्रेंड्स आज बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे बहुत जोर, अभी थोड़ा रुका है। देखिए फ्रेंड्स बारिश बहुत तेज हो रहा था, पूरा देखिए देखिए पीछे पूरा पानी आ रहा था और अब थोड़ा धीरे हुआ है और हवा चलने के लिए अब देखिए तो नीचे ना थोड़ा बाढ़ आ गया। देखिए मम्मी को गाइस, अभी हम लोग मैदा मिला रहे हैं केक के बैटर में। अब देखिए और ये साइड में टूटी फूटी, इसमें मैदा है, इसमें मैदा है, ये टूटी फूटी केक में डालने से बहुत टेस्टी लगता है केक में डालने से। गाइस अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा मिल्क मिलाएंगे। मिल्क मतलब दूध। ओके फ्रेंड्स, पता है मिल्क मतलब दूध होता है। गाइस अभी हम लोग इसमें क्या नाम है इसका, टूटी फूटी डाल रहे हैं। इसका नाम बहुत अजीब सा नहीं है, टूटी और फूटी, टूटी फ्रूटी होता है, टूटी फ्रूटी है या टूटी फूटी, टूटी फूटी। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। डिलीशियस। पेपर में हम लोग बैटर डालेंगे। आखिर आपके पास बैटर पेपर नहीं हो तब नॉर्मल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पूरे यहाँ पे तेल लगा दे और पेपर को टुकड़े टुकड़े करके लगा दे। अब बैटर और आपका डिज़ाइन के लिए, क्योंकि उससे डिज़ाइन बहुत अच्छा और टेस्टी वाला आता है ना। गाइस अब फ्रूटी में थोड़ी सा शुगर पाउडर है ना, मैदा आप लोग टूटी फ्रूटी पर थोड़ा सा मैदा मिक्स कर ले, उसके बाद ही आप बैटर में इसको डाल। वो केक में चिपकता नहीं है, स्टिकी नहीं हो जाएगा। अब इसे हम लोग बेक करेंगे। मैं ना केक बेक होने के बाद आपको दिखाता हूँ।